हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का समय है और अभी सुबह का 6:30 हो रहा है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपने यूनिवर्सिटी में है होम गार्डन नहीं दिखाया है, तो इसलिए मैं आज होम गार्डन में आया हूँ। तो आपको होम गार्डन का पूरा जो भी दृश्य है पूरा दिखाऊँगा। ये मेरे पीछे पेड़ लगा हुआ है, आप देखें, ये इसका नाम है सैतूत। अगर बॉटनिकल नेम की बात करूँ तो मोर सलवा। और आइए चलते हैं आगे। तो आपको ये पेड़ दिख रहा होगा, देख सकते हैं, ये है डेलोनिक्स रेजिया। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो ये है गुलमोहर, ठीक है। और चलते हैं आगे, और भी मतलब इंटरेस्टिंग जो पौधे हैं वो आपके लिए दिखाते हैं, क्योंकि हर जगह ये पौधे नहीं होते हैं। मेरा क्षेत्र है बदायूं, तो बदायूं में ये पौधे नहीं होते हैं, और तरह के मतलब पौधे होते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट चेंज है, तो यहाँ अलग तरह के पौधे होते हैं, और मेरे यहाँ का क्लाइमेट चेंज है, तो मेरे यहाँ अलग पौधे होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अगले क्रम में है ये आपके लिए पीछे दिख रहा होगा, ये पीछे दिख रहा होगा, जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये है सहजन, और इस पर ये फली लगी हुई है, इसका नाम सहजन है, ठीक है। और इसकी फलियों की सब्जी बनाते हैं, तो अगर सब्जी की बात करूँ तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आगे चलते हैं, और ये नीचे है, ये भी सहजन है, देख सकते हैं आप, सहजन है, ये छोटे पौधे हैं और ये अभी नए हैं, और आपको पीछे दिख रहे होंगे वो पौधे पुराने हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा अंदर आया, तो आपने सुना होगा मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, तो ये एपीकल्चर है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसमें मतलब मधुमक्खी पालन होता है, जब यूनिवर्सिटी है तो टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा होगी, तो आप पीछे देख रहे होंगे थोड़ा अड्डा बना हुआ है, ये पाउंड कह सकते हैं। तो ये वो टेक्नोलॉजी है, जब जब क्या होता है, जब बरसात होती है और जब पानी एक्स्ट्रा होता है तब स्टोर करने के लिए गड्ढा खोदे जाते हैं, और जब पानी की कमी होती है पेड़ पौधों की सिंचाई करने के लिए इस पानी का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा और अंदर आया, तो आप देख सकते हैं ये पालक है, जो अच्छी किस्म होती है तो वही उगाई गई है, तो ये चलते हैं पालक है, और आप देख सकते हैं लाइन टू लाइन ये पालक है, पालक है ये, और वो आगे दिख रहा होगा ढेंचा, ढेंचा है वो, थोड़ा और आइए दिखाते हैं आपके लिए। तो ये है तरबूज, यहाँ तरबूज की खेती हो रही है, और ये है तरबूज, वाटरमेलन, ये आप देख सकते हैं अभी छोटा सा है। आपने क्या देखा इसमें, इसमें देखा आपने लाइन टू लाइन, रो टू रो, और ये आपके पास दिख रहा होगा, क्योंकि पानी की कमी है तो यहाँ ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत होती है, तो वही विधि अपनाई गई है। और आगे देखते हैं और क्या है, मैं अभी थोड़े आगे और आया, तो आप देख सकते हैं ये है जुजपस जुजवा, जुजपस मैरिसियाना, तो ये है बेर, तो अभी इसका सीजन नहीं है, तो इस पर ये बोनी प्रजाति है, उस पर बहुत बड़े बड़े फल आते हैं, तो जब फल आएंगे तो मैं आपको अगली वीडियो बना दूंगा, अभी फल का टाइम नहीं है, जब वो आगे टाइम आएगा तो मैं दिखा दूंगा। उस पर ये बोनी प्रजाति है, आप देख सकते हैं बहुत जगह में लगे हुए हैं, ये दिख रहे होंगे आपके लिए, ये तो अभी इसका समय नहीं है दोस्तों। मैं आ गया हूँ अनार की खेती में, तो काफ़ी हेक्टेयर में यहाँ अनार की खेती हो रही है, और आपको फल भी दिख रहे होंगे, अभी इसका फ्रूटिंग टाइम है, और आप देख सकते हैं इस पर फल भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े फल आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े फल, ये बड़े फल, तो इस पर फल लग चुके हैं, और ये देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में, आप देख सकते हैं बहुत जगह में लगे हुए हैं। तो मैंने बताया था अभी काफ़ी हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है यहाँ, मतलब ये बोनी प्रजाति हैं, बोनी प्रजाति, यहाँ आप देख सकते हैं इस पर हमेशा फल लगा रहता है, ठीक है। तो अनार का पौधा आइए, तो आप इस पर देख सकते हैं बहुत अनार लगे हुए हैं, पूरे पूरे पौधे पर अनार लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे अनार लगे हुए हैं। तो यहाँ घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ, और मैं आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ देखने में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी कुछ पौधे हैं जिन पर अभी फ्लावरिंग है, ठीक है, और कुछ पौधे हैं जिन पर फल आ चुके हैं, कुछ पौधों पर फल तो पक चुके हैं, जैसे आप देख लें ये यहाँ इस पर कुछ फ्लावरिंग है, कुछ थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग है, और कुछ फल हैं,
आप देख सकते हैं पूरा यहाँ, ये बोनी पे जाती है और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मीठे और बहुत ही बड़े फल आते हैं। तो दोस्तों और थोड़ी आगे चलते हैं, तो यहाँ आपके लिए मैं दिखाऊंगा मौसमी की खेती हो रही है। यहाँ अभी मैं आ गया हूँ, तो यहाँ भी मतलब पूरा मेथड यहाँ ड्रिप इरीगेशन का ही है, यहाँ भी इरीगेशन ही चल रही है। तो ये पौधा आ चुका है, अभी ये पौधे छोटे छोटे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा है, आप देख सकते हैं। ये मौसमी का पौधा है और काफ़ी काफ़ी जगह में मौसमी के पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी जगह में। तो ये आप देख रहे हैं सामने, और जितने भी फल दिखाए जा रहे हैं तो पूरे हमारे गार्डन में पूरे फल लगे हुए हैं। ज़्यादा धूप हो चुकी है तो इसलिए नहीं दिखा सकते। सामने दिख रहा होगा ये लहसुन भंडार है, 10 टन लगभग इसमें इसकी क्षमता है। ये पूरा है और आप देख रहे होंगे ऊपर लहसुन भी लगा होगा। ये और ये है पॉली हाउस, मैं जिसकी बात कर रहा था, पॉली हाउस। ये पॉली हाउस है, ये बड़े बड़े पॉली हाउस में लगे हुए, तो इसमें अंदर का नहीं दिख रहा होगा आपको, कम दिख रहा होगा। इसमें टमाटर लगा हुआ है, लाइक ऊपर से स्कुलेंटम टमाटर लगा हुआ है। ये बड़े बड़े पॉली हाउस हैं, सामने से भी दिखा दूँगा, बहुत बड़े बड़े पॉली हाउस हैं। इसमें टमाटर की खेती और बैंगन हैं और जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं इनमें उनकी पौध तैयार की जाती है। और ये सामने देख रहे होंगे भिंडी है, ये सामने देख रहे होंगे भिंडी खेती है आगे तक। तो काफ़ी कुछ रह गया अभी दिखाने के लिए, क्योंकि अब सब कुछ दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉली हाउस हैं आगे तक बने हुए हैं। तो ये वीडियो मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। सभी लोगों को जय हिंद।